أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالد من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتمار والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات على محمد وعلى آله जानिसारा ने कासिम की तरफ से शब बेदारी शब अजाब शब गम का इनकाद है और रात के इस पहर जागने का फन वही जानता है कि जो शब हिजरत सो जाने वाली की मार्फत ये जितने हजरात और जितने मोमिन जितने अजादार इस वक्त यहाँ तशरीफ फरमा है और रात के इस पहर जाग कर बेदारी का सबूत देकर बता रहे हैं कि यकीनन हम खुद भी जाग रहे हैं, हमारा वक्त भी जाग रहा है और सबसे बढ़कर हमारा शजरा भी जाग रहा है। इसलिए कि जिस बारगाह में आप बैठे हुए हैं ये साहिबान तथहीर की बारगाह है, यहाँ हर किसी को आने की इजाज़त मिलती नहीं है। जब पांच चादर तथहीर में आए थे तो किसी ने चादर का कोना पकड़ के आने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन पैगंबर ने कह दिया कि भाई बात यह है कि तुम खैर पर तो हो, चादर में नहीं आ सकती। चादर में यकीनन वही आ सकता है कि जो खुद साहिब तथहीर हो और तहारत का समंदर हो। और यकीनन जब आए तथहीर आप सुनते हैं तो देखिए, आए तथहीर में अहले बैत की तहारत का ऐलान हुआ है, उन्हें उस दिन ताहिर बनाया नहीं गया। आए तथहीर में अहले बैत की तहारत का ऐलान हुआ है। खतीब हुसैनियत अल्लामा सैयद अहमद नकवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और यकीनन मैं उनकी खिदमत में झुकले अर्ज़ करता हूँ, और आप बोलें या ना बोलें उनका ही बोलना काफ़ी है। अब ये ना समझिएगा कि जितने बोल रहे हैं वो भी चुप हो जाए। तो ये जितने पीछे हजरात बैठे हैं, देखिए मैं हमेशा पीछे वालों पर नज़र रखता हूँ, पीछे वालों पर, आगे वालों पर नहीं। जिस वक्त ये जब जमल का मार्का छेड़ा ना, तो जनाब मोहम्मद हनफिया को अमीर मोमिनीन ने जब भेजा कि जाओ हमला करो,
तो जिस वक्त जाने लगे तो अमीर मोमिनीन ने कुछ फ़नून हर्ब और कुछ उसूल जंग सिखाए और जाने से पहले बताया ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। फिर कहा कि देखो लश्कर की आखिरी सफ पर निगाह रखना, आखिरी जो सब बैठी हुई है इसमें दो तीन हजरात अभी तक उस जुमले का लुत्फ उन्होंने नहीं लिया। तो जाग वो ही सकता है कि जो शबे हिजरत सो जाने वाले की मारफत, तो जो शबे हिजरत सो जाने वाले की मारफत रखता है जिसकी निगाह में अली इब्ने अबी तालिब बिस्तर रसूल पर सो रहे हैं तो वो सो नहीं सकता। इसलिए कि अली भी उस वक्त सो नहीं रहे थे, इसलिए कि भाई सोते में तिजारत नहीं होती, में तिजारत नहीं होती, कोई सोकर सौदा सलफ नहीं लाता, हमेशा जागते में तिजारत हो रही होती है। और बात यह है कि जब जिस तिजारत के लिए जिस चीज़ को आपको ख़रीदना है, जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ की आपको तलब है, जो चीज़ आप बाय शरह की मंजिल पर तिजारत के लिए जा रहे हैं, तो जो जिस किस्म का सौदा होता है उसी किस्म के बाजार में आप जाते हैं। सही बनना बैठा हुआ है, जिस किस्म का सौदा चाहिए उसी किस्म के बाजार में जाएंगे। अगर आपको किताब चाहिए, कापी चाहिए, तो आप उर्दू बाजार जाएंगे, सब्जी मंडी नहीं जाएंगे। अगर आपको सब्जी चाहिए तो आप सब्जी मंडी जाएंगे, उर्दू बाजार नहीं जाएंगे। आपको फर्नीचर चाहिए तो आप फर्नीचर की मार्केट में जाएंगे, आप किसी कपड़े की मार्केट में नहीं जाएंगे। यानी जो चीज़ चाहिए होती है आप उसी बाजार में जाते हैं और जागते हुए सौदा किया जाता है, जागते हुए सौदा खरीदा जाता है। ये अजीब सौदा हुआ है कि जो दुनिया वालों की निगाह में वो सो रहा था, लेकिन मसला ये है कि नफ्स बेचा जा रहा था, मर्जी खरीदी जा रही थी, तो जिससे खरीदा जा रहा था अली उसी के दरबार में थे, उसी बाजार में थे, दुनिया को जिससे रसूल का दिखाई दे रहे थे, दुनिया को बिस्तर रसूल का दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दरअसल अली उसी बाजार में थे जिस बाजार में खरीदने वाला भी था और बेचने वाला भी था। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ भाई, दो खरीदने वाले हैं, एक आसमानों पर और एक जमीन पर। अजीब बात है, जुमला आपके हवाले हो रहा है, शबे हिजरत आपने सुनी है और सब चीजें आपके पेशे निगाह, कोई नई बात आपके हवाले नहीं कर रहा। बात यह है कि दो हस्तियां हैं, एक आसमान का अली, एक जमीन का अली। आसमान का अली सोता ही नहीं, आसमान का अली सोता है क्या? आप चुप क्यों हैं भाई? भाई उसके 99 नामों में एक नाम अली है, यकीन ना है जब भी कुरान उठा के ले आएगी, उसके पहले सफे पे अल्लाह के 99 नाम रखे हैं, उसमें एक नाम क्या है? अल अलियो। तो वो अल अलियो जो है उसका इस्तियारा है कि वो बुलंदी पर रहता है, हालांकि इस वक्त वो यहाँ पर भी है। भाई जो आसमानों का अल्लाह है वो यहाँ है या नहीं बताइए, हाँ या नहीं? अच्छा हाथ उठा के बताइए, अल्लाह यहाँ है ना? तो जो अल्लाह आसमानों पर रहता है वो आसमानों पर रहता नहीं है, इसलिए आसमान उससे मंसूब है ताकि पता चले कि वो बुलंद है, और इसलिए उसको बुलंद कहा गया है कि भाई कभी ऐसा हो गया कि अगर वो किसी वजूद में समा के आ गया तो वो इसलिए नहीं आ रहा, हालांकि आ सकता है, वो उसका स्टेटस नहीं है कि वो किसी में हलूल कर जाए, वो हलूल नहीं करता, लेकिन ये कि कर सकता है, जैसे दरख्त के जरिए से कलाम करता है, दरख्त ने हलूल नहीं किया लेकिन किसी के जरिए से कलाम कर सकता है, किसी इंसान के जरिए से कलाम करता और कहता कि मैं बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, इसलिए किसी इंसान के जरिए कलाम नहीं किया उसने आके, कि उसने कहा भाई इतना बड़ा अपना महबूब जिसे मैंने अपनी चाह से बनाया है, जिससे बुलंद कोई है नहीं मेरे बाद, उसको तुम्हारे दरमियान भेजा तो तुमने उसे अपने जैसा कह लिया, अगर मैं किसी वजूद में आ जाता तो तुम मुझे भी अपने जैसा कह दे। तो भाई वो आसमानों का है अली, आसमानों में रहता नहीं है, हर जगह रहता, इस वक्त यहां भी मौजूद है, मेरी आवाज सुन रहा है, आप सबको भी देख रहा है, बोलने वालों को भी देख रहा है, और अली की फजीलत पे चुप रहने वालों को भी देख रहा है, और वो हैरानी से देख रहा है कि जब मैं आसमानों का अली होते हुए इस अली के जिक्र पे खामोश नहीं रहता तब तो तुम्हारा तो कलमा ही अली वलीउल्लाह के बगैर मुकम्मल नहीं है, तब क्यों खामोश हो? अभी भी दो चार लोग खामोश, बारह मर्जी है, जिसका वक्त जाग रहा है वो बताएगा। तो मैंने अल्लामा साहब भी अर्ज किया कि दो हस्तियां हैं, एक आसमानों का अली और एक जमीन का अली। आसमानों के अली का कोई बाप नहीं और उसका कोई बेटा भी नहीं है ना, और जमीन के अली का बाप भी है, उसका बेटा भी है कि नहीं? तो बाप है अबू तालिब, बेटा है हसन हुसैन,
दो हस्तियां हैं, एक आसमान पर और एक जमीन पर। अब मैं ये कैसे कहूं कि एक बेच रहा है और एक खरीद रहा है? इसलिए कि दोनों तरफ से सौदा बराबर का हो रहा है। अब कोई कहे कि अली ने बेचा या उसने खरीदा, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसने बेचा और अली ने खरीदा। समझ रहा है? कोई नहीं समझ रहा भाई। ये भी तो हो सकता है कि वो बेच रहा और अली खरीद रहा हो। बात अली और अली में है। अब ये बात अली वाला ही जान सकता है कि बात अली और अली में हो रही है, और अली सो रहे बिस्तर नबवी पर। शब है हिजरत की, हिजरत करने वाला है नबी। होना ये चाहिए कि जहां नूर का एक हिस्सा वही दूसरा हिस्सा। भाई इतनी मुश्किल बात नहीं की है। पैगंबर ने कहा अना अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से। अब ये इस सारी लाइटें अगर बंद कर दे, एक जल रही हो मसलन, एक लाइट जल रही हो, तो इसकी किरणें जो है जहां जहां जाएंगे इसी की किरण किरण जाएगी, है ना। एक लाइट जले सारी आप बुझा दे, तो अब उस बल्ब की जितनी किरणें होंगी वो साथ साथ जाएंगी। अब बल्ब की एक किरण तो नहीं होती ना कि जो एक दीवार को रोशन कर रही है, पूरे कमरे में फैल जाती है। तो बल्ब की किरण साथ साथ ही जाती है। अब ये दो हिस्से एक ही नूर के हैं। समझ रहा है कोई नहीं समझ रहा है? इतनी आसान बात की, ये दो हिस्से एक ही नूर के हैं। क्या कहा? आना वाली मिन नूर इन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से है। तो अब एक नूर तो दिखाई दे रहा है गार में, एक नूर दिखाई दे रहा है शब हिजरत के बिस्तर पर। तो मैं कहूंगा भाई ये दो नूर ही थोड़ी, ये किसी एक नूर से तो है ना। तो भाई मैंने अभी मिसाल दी, जहां बल्ब होगा वहां उसकी रोशनी होगी। पैगंबर कह रहे हैं हम अल्लाह के नूर से हैं, जहां अल्लाह वहां मोहम्मद वहां अली। जहां नूर है खुदा वहीं पर ये दो नूर भी। ये हो ही नहीं सकता कि नूर खुदा कहीं और हो और ये दो कहीं और हो। ये जहां भी हो अल्लाह ही के साथ होते हैं भाई, ये जहां भी हो अल्लाह ही के साथ होते हैं। इसीलिए गार में पैगंबर ने कहा, और जो पैगंबर ने कहा वो अल्लाह ने कुरान की आयत बना दिया। इस हुमा फिल गार, जब दोनों गार में थे, कुरान की आयत सूरह तौबा की आयत पढ़ रहा हूं। इस हुमा फिल गार, जब दोनों गार में थे, तो इस यकूलो लिसाहिबिही, तो उसने अपने साहिब से कहा, यानी अपने दोस्त से कहा। क्या कहा? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। तो जब अल्लाह साहिब के साथ हो सकता है, जब अल्लाह सहाबी के साथ हो सकता है, तो क्या रसूल के साथ नहीं? तो रसूल के साथ तो हर वक्त है। तो रसूल नूर का एक हिस्सा है, तो गार में भी अल्लाह के साथ रसूल है और रसूल के साथ अल्लाह है, और शब हिजरत में भी अली के साथ भी अल्लाह है और अल्लाह भी अली के साथ है। तो अब ये ना कहना कि जो सौदा हो रहा था पैगंबर को पता नहीं चल रहा था। ये जगह सलामत रहे, नहीं जगह आपको लाना था। जो सौदा हो रहा था पैगंबर को मालूम नहीं हो रहा था, पैगंबर खुद भी देख रहे थे, खुश भी हो रहे थे कि ना आदम को ऐसा वसी मिला, ना नूह को मिला, ना इब्राहिम को मिला। भाई सारे नबियों के औसिया हैं, लेकिन फख्र है पैगंबर को कि मेरा वसी अली जैसा, अली जैसा मेरा वसी है कि जो अल्लाह से तिजारत कर रहा हूं, जो अल्लाह से तिजारत कर रहा हूं, तिजारत हो रही है। और लफ्ज तिजारत कुरान ने इस्तेमाल किया, वमिन अन्नास मन यशरी, मन यशरी जो तिजारत करते। तो भाई बात यह है कि बिल इत्तेफाक, बिल इत्तेफाक तकरीबन मेरे पास, मेरे कुतुबखाने में 10 अहले सुन्नत हवाले हैं कि जिसमें सवायत बोहरा का भी शामिल है, कि ये आयत शब हिजरत अली की शान में नाजिल हुई। सामने गवाह अभी दिया इब्ने हजर मक्की ने लिखा कि ये आयत शब हिजरत अली की शान में नाजिल हुई, यानी अली ने सौदा किया, अली ने सौदा किया, अली ने सौदा किया अल्लाह से। तिजारत हो रही है अल्लाह और अली के दरमियान, तिजारत हो रही है अल्लाह और अली के दरमियान। अल्लाह खरीद रहा है, अली बेच रहा है, और अल्लाह किसी पैसे से नहीं खरीद रहा। अल्लाह दिरहम और दीनार नहीं भेज रहा कि ऊपर से लुटा रहा हो, लाओ अली तुम्हारे पास क्या है, हम इसके अवज तौल के देखेंगे कि कितना माल है, तो हम उसी के हिसाब से तुम्हें पैसे दे देंगे, दिरहम और दीनार दे देंगे। वो अल्लाह, वो आदिल है। उसके लिए तो सोचा भी नहीं जा सकता, जैसे आज का मुल्ला है कि सौदा हो 2 रुपए का बेचे 10 रुपए का, या सौदा हो 10 रुपए का और खरीदे 2 रुपए का, है ना। ये होता है ना, महंगा सौदा होगा कोई आ गया मजबूर कि भाई ये खरीद लो,
भाई कितने का है? 10 रुपए का। अरे भाई 10 का थोड़ी है, 2 का दे दो, 2 दे दो जाओ, क्योंकि आज का मुल्ला तो है नहीं, वो अल्लाह है। मुल्ला तो है नहीं, अल्लाह है, और अल्लाह जो है मौला है। तो मुल्ला अलग हो गया, मौला अलग हो गया, तो अब वो अल्लाह है, वो आदिल है, आदिल, वो हर वक्त अदल करता है, समझे, वो हर वक्त आदिल है, वो हर वक्त अदल करता है, हर मरहले पे अदल करता है, हर मकाम पर अदल करता है, हर लहजा अदल करता है, हर लम्हा अदल करता है, मुसलसल आदिल है। तो अब ये हो नहीं सकता था कि जैसा सौदा हो वैसी कीमत ना हो। अब ये नहीं देखो कि अली क्या बेच रहे, ये देखो अल्लाह कीमत क्या दे रहा है। सलामत रहे जैसे जुमला महफूज हुआ। अब ये ना देखा जाए कि अली क्या बेच रहे, अब ये देखा जाए अल्लाह कीमत क्या दे रहा है। तो जितनी बड़ी कीमत देगा अल्लाह, इसका मतलब है उतनी ही बड़ी अल्लाह शय खरीद रहा है, उतनी ही वजनी शय अली बेच रहे हैं, जितनी वजनी कीमत अल्लाह दे रहा है। अगर अल्लाह अली को कह दे लो हमने तुम्हें राजिक बना दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अल्लाह अली को कह दे कि लो तुमने हमें अपना नफ्स दिया, हम तुम्हें खालिक बना रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खालिक ईसा को भी बना दिया, ये मुश्किल नहीं है भाई। खालिक तो ईसा को भी बना दिया, ईसा को तो मट्टी का परिंदा खल करते हैं ना भाई। तो अगर अल्लाह कह लाओ अली अपना नफ्स दे रहो, इसके एवज में हम तुम्हें खालिक बना रहे हैं, तो भाई लोग कहेंगे खालिक तो ईसा की थे, और ईसा मुस्तफा के माथे का पसीने का कचरा है, जबीन मुस्तफा के टपके हुए पसीने के कतरों में से एक कतरा है ईसा। तो अब भाई पसीना जुमला ले जाइए, जो पसीना हो मुस्तफा की जबीन का पसीना, वो तो खालिक हो जाए, और जिसके लिए मुस्तफा कहे तेरा लहू मेरा लहू, तेरा गोश मेरा गोश, आपके जहन से करीब होकर करना चाहता हूं। तो अब देखना यह है कि बेचा क्या जा रहा, नहीं देखना यह है कि उसके एवज दिया क्या जा रहा। तो जो वहां से कीमत आएगी तो शय भी उतनी ही कीमती होगी। यह पूरी कायनात आपकी खिदमत में, अरदास में जुमला अल्लामा नकवी नकवी साहब, यह पूरी कायनात इतना सही मजमा बैठा हुआ है, जहां कासिम के जानिसार बैठे हो तो वहां जहानत ही जहानत होगी ना भाई, जो गबावत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इतना सही मजमा बैठा कि मैं पहला लफ्ज कहूंगा आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और इस बात का भरम रखिएगा कि आप ज़हीन हैं, ये चुपना हो जाइएगा कि भाई मुझे गलतफहमी हो गई। ये पूरी कायनात, चाहे कायनात का कोई जर्रा हो, चाहे कायनात का कोई पत्ता हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे मौत हो, चाहे बरसात हो, चाहे हवा हो, चाहे बादल हो, चाहे दरिया हो, चाहे समंदर हो, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे तबकाते जमीन हो, चाहे तबकाते समंदर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे दरख्त हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे मलाइका हो, चाहे अंबिया हो, चाहे औसिया हो, चाहे शहदा हो, चाहे सालेहीन हो, चाहे सिद्दीकीन हो, चाहे आइमा हो, चाहे साहिबान इस्मत हो, चाहे सिद्दीकीन हो, सिद्दीकीन भी हो या इनके बनाए गए या उनका बनाया हुआ, चाहे रोजादार हो, चाहे नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे इंसान हो, चाहे अर्श हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे लौ हो, चाहे कलम हो, चाहे सुमरा हो, चाहे तूबा हो, चाहे काबा हुसैन तक हो, जमीन से आसमान, अर्श से कुर्सी, लौ से कलम, कलम से जन्नत, जन्नत से जहन्नम, मशरक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, तहत सदा से सुरैया तक, जो कुछ भी है अल्लाह की मर्जी पर चल रहा है। मुझे समझ गया सुबह सलाम।
हजरत आदम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आए, नूह अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आए, इब्राहिम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आए, ईसा अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आए, मूसा अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आए, मुस्तफा अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आए, बारिश अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं बरसती, हवा अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं चलती, बादल अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं बनता, इंसान अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं जीता, कोई मरता नहीं अल्लाह की मर्जी के बगैर, कोई जिंदा नहीं होता अल्लाह की मर्जी के बगैर, कोई पैदा नहीं होता अल्लाह की मर्जी के बगैर, कोई चलता नहीं अल्लाह की मर्जी के बगैर, कायनात में जो कुछ भी है सब अल्लाह की मर्जी के तहत है, और वो मर्जी शबे हिजरत आने खरीद रहा। तवज्जो फरमाइए, आपने कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की मर्जी के तहत चल रहा है। अरे हम भी तो यहाँ अल्लाह की मर्जी के तहत बैठे हुए हैं। अब हमारी हमारी जबान क्यों पकड़ते हैं लोग, मसला सारा ये है, हमने कह दिया अल्लाह की मर्जी के तहत हो रहा है सारा काम, अब हमारी जबान पकड़ना शुरू कर देते। भाई हम यहाँ अगर ये कह दें कि अल्लाह की मर्जी से बैठे हैं, या ये कह दें कि अली की मर्जी से बैठे, बात है उस वक्त जबान पकड़ी जाए कि भाई तारीख से नहीं, तारीख से नहीं बल्कि जमाने से, वक्त से शबे हिजरत निकाल दो, शबे हिजरत निकाल दो, फिर भी कह देंगे भाई बात यह है, कुरान की आयत है, वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिलाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। इंसानों ही में इंसान है जो तिजारत करते हैं इससे अल्लाह से, नफ्स बेचते हैं, और खुदाई कसम ये नहीं है कि उसकी मर्जी खरीदते हैं, उसकी मर्जियां खरीदते हैं, मर्ज़ातिल्लाह उसकी मर्जियां खरीदते हैं, यानी जमा का सीधा है जितनी अल्लाह की मर्जियां हैं। अली के फजाइल में चुप ना बैठिए, बोलते रहिए, ये तो शक हो जाएगा कि अजान पर पाबंदी लगाने वालों में है कहलवाने वालों का, वो तो है ना, तवज्जो है ना, तो तवज्जो फरमा रहे हैं कर दी। ये माशाल्लाह जब जहां बैठे होते हैं मौजू के हिसाब से चार बिस्तर पड़ते हैं, खुदा इनको सलामत रखे, ऐसे ही समात हो तो लुत्फ आता है, नबी साहब आप तो खुद खदीम हैं, तो खुदा सलामत रखे, जरा मुझे बताएं कि बुलंद आवाज से दुरूद कैसे पढ़ा जाता है। सलामत रखे, मैंने कहा कि सौदा बराबर का है, सो रहा है अली, किसने कहा सो जाओ, रसूल ने कहा, क्या रसूल अपनी मर्जी से बोलता है? अनिल हवा इन युवा सूरह नज्म कह दिया, ये तो जब तक हम पर वही नहीं आती ये बोलता ही तो रू ही नहीं, वमा यंतिक बोलता ही नहीं जब तक हम न कहेंगे बोलो, तो अब शबे हिजरत अपनी मर्जी से नहीं बोला, अपनी मर्जी से नहीं बोला, जिसे सुलाया उसकी मर्जी से, जिसे ले गए उसकी मर्जी, उसे पता है ना किसे छोड़ना किसे ले जाना, किसे छोड़ना किसे ले जाना। तो अब देखना ये है, कोई कह सकता है कि फजीलत तो वो है, समझ गया इशारा, कोई कह सकता है कि भाई फजीलत तो वो है साथ, ये साथ ही नहीं लेगा, ये साथ ले ही नहीं गया, अली को तो सुला गए, फजीलत तो वो है, अली को साथ ही नहीं लेगा, आप कहते हैं फजीलत, अब इस तरह पे सोना कौन सा कमाल, वो तो पता नहीं कितने अरसे तक तो बात ये है कि बिस्तर बिस्तर में भी फर्क है, बिस्तर बिस्तर में भी फर्क है, ये बिस्तर अल्लाह की मर्जी से है,
वो अजदवाज की जरूरत से है, इसलिए भाई घर में है तो सबके पास बिस्तर तो है ना भाई, थोड़ी क्या हमारा बिस्तर तो घरों में ही रहता है, हमारे कांधे पे थोड़ी रहता है। बिस्तर कांधों पे लेके जा रहे हैं, खुदा उनको भी सलामत रखे और तौफीक हो के वो कभी घर पे भी रहे। तवज्जो फरमा देना। तो अब किसकी मर्जी से उसको पता है किसको छोड़ना है, किसे भेजना है, और जिसे छोड़ना है उसे क्यों छोड़ना है, जिसे ले जाना उसे क्यों ले जाना, उसको मालूम। अब कह दिया कि भाई बिस्तर पे सुला दो, बिस्तर पे सुला दो, अब फर्क बताएगा, फर्क बताएगा ले जाना और छोड़ जाना। अब पता चलेगा कि फजीलत किस में है, फजीलत किस में है, अब पता चलेगा। बात यह है कि जैसे ही, और देखिए आपके इल्म में इजाफे के लिए नहीं बैठा हूं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सब आपकी सुनी हुई बात है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। बात क्या थी, अली आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए, बिस्तर पे सो जाइए। सिर्फ एक सवाल मौला ने किया, ये बताइए या रसूल अल्लाह मेरे आपके बिस्तर पे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी। कहा अल्लाह का यही हुक्म है, कहा अल्लाह का हुक्म है तो मैं हाजिर हूं, बस कह दिया। अली को इतना यकीन है कि मेरी जान बच जाएगी, क्यों, इसलिए कि नबी ने कहा या अली सुबह हो जाए तो ये अमानतें जरा वापस कर दीजिएगा, सलामत रहे आप, और फला फला रास्ते से होते हुए मुझसे आगे फला मकाम पे मिलिएगा। अब अली को यकीन है जब रसूल कह रहे हैं मुझसे मिल लेना तो कोई मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता, जबाने साबित कह रही ना भाई, जबाने सदाकत कह रही, रसूल कह रहा, सच्चा रसूल कह रहा। तो अब कह दिया कि आपकी जान बच जाएगी, ये नहीं कहा कि क्या मैं बच जाऊंगा, फर्क है जुमले में, फर्क है जुमले में। अब बात ऐसी बात है जिमला, बात कुछ माहौल ऐसा है कि हर चीज खुल के नहीं, अब मजमे की जिहानत पर है, फर्क है। ये नहीं कहा कि क्या मैं बच जाऊंगा, ये नहीं कहा। सोने वाले को अपने बचने की फिक्र नहीं थी, साथ जिसे ले गए उसको ये फिक्र थी कि बचूंगा क्या। इसलिए आया था इन अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ, फजीलत है बड़ी यकीनन, हमारे नजदीक बड़ा रुतबा है नबी के साथ रहने वालों का, नबी के साथ सोने वालों का, पहलू में सोने वालों का रुतबा बहुत बड़ा है। लेकिन एक जुमला कहने का हक है कि पहलू में सोना अलग है, बिस्तर पे सोना अलग है ना, तो तकरीबन मैं इसलिए कहता हूँ कि असहाबे किराम के भी एहतराम हमारे यहाँ यकीनन बहुत जरूरी है, और हमसे ज्यादा कौन असहाब का एहतराम करता है भाई। हम तो इतना असहाब की मानते हैं, असहाबे किराम की इतनी मानते हैं, इतनी मानते हैं कि आज तक जितनी फजाइले अली की अहादीस हमारे पास है वो सारी असहाब से ही तो मरवी है, इतना यकीन है हमें असहाबे रसूल का। असहाबे रसूल ने कहा हमने सुना था रसूल अल्लाह से, कि रसूल अल्लाह कह रहे थे या अली ये तुम्हारा लहू तुम्हारा नहीं है मेरा, तुम्हारा गोश्त तुम्हारा नहीं है मेरा गोश्त है, तुम्हारी हड्डियां मेरी हड्डियां, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म है, तुम्हारी रूह मेरी रूह है, तुम्हारी अकल मेरी अकल है, तुम मैं हूं मैं तुम हो, असहाबे किराम। इसलिए असहाब का एहतराम वाजिब है। तो अब मेरे अजीजों सोया कौन, और इसी में बात तमाम हो रही, सोया कौन, सोया हो कि जिसे अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी अली को सुला दो, क्यों सुला दो, क्यों सुला दो अली को, क्यों सुला दो। पहली तो हदीस मैंने आपके हवाले की, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर है, नहीं एक ही नूर से, चुप हो गया। देखिए लफ्ज क्या है, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मिन मीम और नून, इस लफ्ज मिन से हमसे ज्यादा कोई वाकिफ ही नहीं, जितना हम जानते हैं इस लफ्ज मिन को कोई और नहीं जानता है ना, हुसैन और मिन नहीं ना, हुसैन और मिन नहीं बहाना मिन और हुसैन, अली क्यों मिन नहीं बहाना मिन हो, फातिमा तो बस अचो मिन नहीं, अल हसन मिन नहीं बहाना मिन हसन, देख रहे हैं आप, यानी मुसलसल मिन्नियत है। अब ये मिन्नियत है क्या, मसलन मैं आपके हवाले करता हूँ, एक बड़ी मशहूर रिवायत है और वो भी आपकी सुनी हुई है, सूरा उतरा बरात का, ये तो पहुंच गया, ज्यादा नहीं होती है जैसे आप दे रहे इस वक्त साहब, सूरा उतरा बरात का, पैगंबर ने किसी को सूरा दिया बरात का, जाओ
और कुफारे मक्का के सामने पढ़ो। अच्छा उसमें बात ही शुरू हो रही, अजान मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि खबरदार अब कोई मुशरिक काबे में नहीं आएगा। और फिर उसके उसूल तय कर दिए गए, ये जो तुम काबे का बरहना तवाफ करते थे खत्म करो, ये सब नहीं होंगी, बिदतें नहीं होंगी। और सूरह बरात का आगे पैगंबर ने किसी को दे दिया, ये भी तकरीबन आपके घरों में कुछ जो किताबें मौजूद हैं शिया सुन्नी, तो उसमें सब में ये रवायत लिखी हुई है, सिवाय एक दो को छोड़ के बाकी सिहा सित्ता की चार किताबों में ये रवायत लिखी हुई। और तारीख इस्लाम की जितनी किताबें, तफसीर की जितनी किताबें, तकरीबन सब में रवायत लिखी हुई। तो पैगंबर ने भेजा आप जाइए और सूरह बरात का सुना दीजिए। तो अभी वो रास्ते में थे, सुनी भी रवायत है ना, एक बार जिब्राइल नाज़िल हुए रसूल अल्लाह पर और कहा ऐ अल्लाह के रसूल बात तो फ़ैद दरूद व सलाम, अल्लाह आपसे ये इरशाद फरमाता है कि या तो ये सूरह आप खुद लेके जाए या वो लेके जाए जो आपसे मिलियत पर हो, जो मेन की मंजिल पर, जो आपसे मिलियत पर हो। अब रसूल बताएंगे कि मिलियत होती क्या। एक बार कहा अली कहां है, खुश हो जाते अली कहां है, लब्बा क्या रसूल अल्लाह, क्या चचा है जुमला जबाने खुदा से, लिसानुल्लाह पर ये जुमला आया लब्बाई क्या रसूल अल्लाह। अली कह रहे हैं लब्बाई क्या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, अली आप जाइए और उनसे सूरा ले लीजिए, आप जाके सुनाइए। और मामला हो गया कि अली पहुंचे और कहा कि मुझे दे दीजिए, आपको रसूल अल्लाह वापस बुला रहे। आए और कहा कि मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई, कहने की गुस्ताखी नहीं हुई, अल्लाह ने कहा या तो मैं जाऊं या वो जाए जो मुझसे मिन्नियत पर है। मिन्नियत आप सोचिए, और आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़े पढ़ाए बैठे, मिन्नियत किसे कहते हैं, मिन्नियत मिन किसे, मिन का मतलब ये होता है, और एक ही लफ्ज कहूंगा और इसी समझिएगा कि बाप और बेटा बैठा, बेटे में बड़े औसाफ हैं, बड़े सिफतें हैं, बड़े फजाइल हैं, बड़ी क्वालिटीज हैं, और किसी ने कहा साहब आपका बेटा भाई क्या आवाज है, क्या शायरी करता है, क्या बहादुर है, क्या बाखला है, क्यों नहीं भाई मेरा बेटा है। और मशहूर मिसरा है कि बेटा वही कदम ब कदम हो जो बाप के, यानी बेटे में जितने औसाफ हैं वो बाप से आते हैं। अब समझ में आया कि मिन्नियत इसी को कहते हैं कि जो जिससे मिन्नियत पर हो उसके फजाइल भी उसी में आ जाए, उसके औसाफ भी उसी में आ जाए, उसके कुदरत भी उसी में आ जाए, उसका लहजा भी उसी में आ जाए। बातचीत खत्म हो गई, पैगंबर ने कहा मैं और अली एक नूर से हैं। शायद जुमला आप यहीं से भी कर लेते भाई, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। अभी मैंने कहा कि जो जिससे होता है सिफात मुंतकिल हो जाते हैं, औसाफ मुंतकिल हो जाते हैं। पैगंबर कह रहे अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली वाहिद नूर से हैं। तो ये वाहिद नूर है कौन सा, ये वाहिद नूर है किसका। तो ना दिरायत से पूछो, ना रिवायत से पूछो, ना हदीस से पूछो, ना कौल से पूछो, ना इल्म रिजाल से पूछो, ना इल्म बयान से पूछो, ना इल्म कलाम से पूछो, ना इल्म फलसफा से पूछो, ना इल्म मंतक से पूछो, ना साइंस से पूछो, ना जोग्राफिया से पूछो, खुद कुरान से पूछो कि वो वाहिद कौन है कि जिसके लिए पैगंबर ने कहा अना वाहिद मिन नूरिन वाहिद। एक बार कुरान ने कहा मैदान महशर सजा हुआ होगा, आवाज कुदरत आएगी लिमन अल मुल्क अल्यौम, आज किसका इख्तदार है, आवाज आएगी लिल्लाहि वाहिदुल कहार। सलामत रहा लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, आज उस अल्लाह का दिन है जो वाहिद है। आप थक गए तो बात खत्म कर देता हूं, मेरे अजीज को बदखत बोले बात अंजुमन भी यकीन आ गई है। लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, आज उस अल्लाह का दिन है जो वाहिद है। तो अल्लाह वाहिद है ना, कुरान ने बताया वाहिद अल्लाह है, और पैगंबर कह रहे हैं अला वाहिद मिन नूरिन वाहिद, हम उसी वाहिद नूर से हैं जो अल्लाह का नूर है। तो जो मिन्नियत पर होता है उसमें सिफात भी तो आते हैं ना। अब जब अल्लाह कह रहा है ये दोनों मेरी मिन्नियत पर हैं, तो क्या हरज है कि मैं खालिक हूं तो इनको भी खालिक बना दिया, मैं राजी हूं तो इनको भी राजी बना दिया। ठीक है ना, देखिए एक फर्क है जब आले मोहम्मद के फजाइल पढ़े जाएं और यही रज़ाकियत खलाकियत जो भी बात आ जाए, फर्क कायम करना जरूरी है। और फर्क क्या है, अल्लाह के पास जो कुछ भी है वो खालिक है, राजिक है, मालिक है, करीम है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, कहार है, सबूर है, शबूर है, लतीफ है, खबीर है, समी है, बसीर है, मोमिन है, मोहम्मिन है, अजीज है, जब्बार है, मुतकब्बिर है। ये सारे औसाफ उसके, सारे औसाफ जितने भी उसके औसाफ है वो सब उसके साथी है। अल्लाह को किसी ने राजिक नहीं बनाया,
अल्लाह को किसी ने खालिक नहीं बनाया, जो कुछ भी अल्लाह के पास है वो उसका साथी है। और फर्क यह है कि आले मोहम्मद के पास जो कुछ भी है वो उनका साथी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। उसके बाद जो चाहो कहो, जो चाहो कहो आले मोहम्मद की फजीलत में, बस फर्क यह रहे जो कुछ इनके पास है अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह का अता किया हुआ। ठीक है, तो अब अल्लाह से मिन्नियत की मंजिल पर, और अली और मोहम्मद एक नूर से। अब समझ में आया कर बोल ये बात। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरे नबी का पूरा वजूद नूर ही नूर था। सब मिलकर बोलते सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन का तज़किरा है तो उसी अंदाज में सुभान अल्लाह कहिए ना भाई। तो उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है कि मेरे नबी का पूरा वजूद नूर ही नूर था, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक नूर ही नूर। यानी मैं आपको एक मिसाल दूं, मसलन सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन जिनके घर पैगंबर की बारात गई, वाहिद उम्मुल मोमिनीन, मलीकतुल अरब, मादर बुथूर, ठीक है, हसनैन की नानी। लफ्ज नानी से प्यार हो जाता है जब हसनैन से मंसूब हो जाता है। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सलावत पढ़ो। वो इरशाद फरमाती है, अब देखिए, अब मेरे मुतवज्जे का पांच या दस मिनट की बात रह गई। आपने जैसे सुना खुदा आपको सलामत रखे, आपको हर आई भी वबा और बला से महफूज रखे, और आपको कभी भी बीमार न डाले, हर बला से, हर वबा से, हर बीमारी से, हर जानलेवा मरज से, हर तकलीफ दे मरज से परवरदिगार आपको महफूज रखे। आपको चादर जहरा के साए में देता हूँ, आपको परचम अब्बास के साए में देता हूँ। खुदा आपके दामन मुराद को बड़े मकसूद से भरे। जो भी आप इस वक्त हाजत शरई लेके आए परवरदिगार, इससे पहले कि आप फर्श ऐसे उठें सब कबूल हो जाए, जैसे आप सुन रहे हैं। खुदा आपको सलामत रखे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अब इरशाद फरमाती कि पैगंबर ने नाखून काटे, मलिकतुल अरब इरशाद फरमाती है पैगंबर ने नाखून काटे, और नाखून जो कट गए तो कहा कि खदीजा इसको जो है कहीं पर दफना लो, कागज में रखा और कहा इसको दफना लो। जनाब खदीजा ने लिया चूमा और कहा चूंकि शाम हो गई तो मैंने उसे एक ताक पर रख दिया कि सुबह होगी तो फिर देखूंगा, देखूंगी इसके क्या करना है। कहा एक हुजरे के ताक पर रख दिया और मैं अपने हुजरे में चली गई। अब शब आ गई और मैं उठी, अल्लाह की नमाज, अल्लाह की इबादत, इससे इस्तगासे मुनाजात के लिए। इससे पहले कि मैं मुनाजात करती मुझे कहीं से मुनाजात की आवाज आ रही थी, मुझे कहीं से मुनाजात की आवाज आ रही थी कि कोई है जो अल्लाह से मुनाजात कर रहा है। मैंने कहा मेरे अलावा कौन इस हुजरे में है। कहा मैं उस आवाज का पीछा करते करते गई तो उसी हुजरे में मैंने देखा कि जहां पैगंबर के नाखून रखे थे हर नाखून से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आसानी से सुन रहे आप। ये है जाते रिसालत कि जिसका एक एक अजब फाजिल नाखून को तो फेंक दिया जाता है। ये दो चीजें हैं जो किसी काम की नहीं है, एक लुआबे दहन, भाई समझ जाए क्या कह रहा हूं मेरे जितने जो समझ गए, और एक नाखून। मेरे नबी का लुआबे दहन किसी आम लुआबे दहन जैसा नहीं है, तो कोई आम नबी जैसा कैसे हो जाएगा। किसी का नाखून नबी के नाखून जैसा नहीं है तो कोई नबी जैसा कैसे हो जाएगा। तो अब उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि सर के बाल से पांव के नाखून तक हमारा रसूल नूर ही नूर, नूर ही नूर। और कहती हैं कि जब मेरे हुजरे में आने की बारी होती मैं इंतजार में रहती कि रसूल अल्लाह आएंगे, मगरिब की नमाज पढ़ के आते। अब वहां ये स्ट्रीट लाइट्स होती नहीं, बिजली तो ईजाद ही नहीं हुई थी, हालांकि अली चाहते तो ईजाद कर देते। जाते हुए कोई स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई, अब अंधेरा ही अंधेरा गली में भी मोहल्ले में भी। अब कहती है मगरिब के बाद मैं अपने हुजरे में, और मैं एकदम समझ जाती थी कि रसूल आ रहे हैं, इसलिए कि पूरी गली मुनव्वर हो जाती थी और उनके नूर की किरण छट छट के मेरे हुजरे तक आती थी, और मैं समझ जाती थी नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आ रहा है, नूर वाला आ रहा है, नूर वाला आया, नूर वाला आया, नूर लेकर आया।
कब समझ जाती थी कि नूर वाला और मेरा हुजरा मुनव्वर हो जाता, कब वो तशरीफ लाते थे पूरा हुजरा मुनव्वर हो जाता, हालांकि सर पे अमामा भी रहता था। नबी नकवी साहब सर पे अमामा भी है, दोष पर आबा भी है, पा में ना लेंगे, कमर में पटका भी है, कबा भी पहने हुए हैं, न सर का अमामा नूर को रोक रहा है, न दोष की आबा नूर को रोक रही है, न कमर का पटका नूर को रोक रहा है, न पांव की नालायन नूर को रोक रही है, यानी नूर को कोई चीज रोक नहीं पाती। अरे भाई नूर को जब काबे की दीवार ना रोक पाए तो ये कमर का पटका क्या रोके? तो अब नूर को इशारा फरमाती है कि पूरे बदन से छन छन के नूर बाहर आता था और मैं समझ जाती थी, और ऐसे में जो भी खाना होता था पैगंबर खाते थे और उसके बाद इस्तराहत करने लेट जाते थे, इसलिए कि जल्दी सोते थे, सुबह तहज्जुद में उठना होता था, वैसे तो सोते ही नहीं थे, इसलिए कि रात रात भर खड़े होके जो रसूल इबादत करता हूं, जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि तुम थोड़ा आराम भी तो कर लिया करो, इस मोहब्बत के लहजे का अंदाजा तो करो, रात रात भर खड़े होने वाले कभी आराम भी कर लिया कर, रात भर खड़े होके हमारी इबादत करते, अल्लाह कह रहा आराम भी कर लिया कर। तो ऐसे में शायद फरमाती थोड़ी देर के लिए लेट जाते थे और चादर ओढ़ के लेटते थे, जब चादर ओढ़ के सर तक चादर ओढ़ के लेट जाते तब भी चादर भी नूर को नहीं रोक पाती थी। पता नहीं समझ रहा है नहीं समझ रहा, रसूल सोते थे तो चादर ओढ़ के सोते थे, इसीलिए अल्लाह कहता था ए चादर ओढ़ के सोने वाले, ए कंबल ओढ़ के सोने वाले, ए काली कमली वाले। अच्छा ये जो काली कमली कहता था अल्लाह काली कमली वाले, तो क्या मुहर्रम में कहता था रसूल अल्लाह? रसूल तो हर वक्त काली कमली में रहते थे, तो रसूल से पूछ लो किसका शौक है, काबे का पर्दा भी। तो अब चादर ओढ़ के सर तक चादर ओढ़ के सोते थे, और उम्मुल मोमिनीन इशारा फरमाती हैं कि चादर से छन छन के नूर बाहर आता था, ऐसे में अगर कोई मेरे हुजरे में आ जाए तो समझ जाता था रसूल सो रहे। कोई है समझने वाला? ऐसे में अगर कोई मेरे हुजरे में मेरी इजाजत के साथ आ जाए और समझ जाता था रसूल सो रहे, हालांकि रसूल चादर ओढ़ के सोते थे, तो समझ जाता था। कैसे समझता था? इसलिए कि चादर से छन छन के नूर बाहर आ रहा था, तो समझ जाते थे कि रसूल सो रहे, इसलिए कि जब रसूल सोते हैं तो चादर नूर को नहीं रोक पाती, यानी जब रसूल अपने बिस्तर पे चादर ओढ़ के सो जाए तो आने वाला समझ जाता था रसूल सो रहा है, रसूल सो रहा है। 40 काफिर रात भर घर को घेरे रहे, समझते रहे रसूल सो रहा है, रसूल सो रहा है। उसका मतलब है आली के जिस्म से भी वैसा ही नूर जैसे रसूल के जिस्म। आखिरी आपने तक सलामत रहे जैसे आप सब कहा देने का माशाल्लाह खुदा आपको सलामत रखे, अगले बच्चे महफूज रहे। तेरे यकीन से बेहतर है काफिरों का गुमान, तेरे यकीन से बेहतर है काफिर। ये आज का ही मिसरा लग रहा है जो कह रहे ना कि अजान में नहीं होना चाहिए, तेरे यकीन से बेहतर है काफिरों का गुमान। तो फरमा रहे 40 काफिर रात भर समझते रहे कि रसूल सो रहा है, सो रहा था अली। अब पता चला किसे छोड़ के जाना था, किसे ले के जाना था। तो जो फरमाई ना रात भर समझते रहे कि रसूल सो रहा, सो रहे थे अली, रसूल नहीं सो रहे थे, सो रहे थे अली, इसलिए ऐसे को सुलाया कि उसके जिस्म से भी वैसा ही नूर जैसे हमारे जिस्म।
वो भी चादर ओढ़ के वैसे ही सोए जैसे हम सोए, उसकी भी चादर नूर को ना रोक पाए, और वो भी कभी अगर आ जाए तो ये कहने वाला कहे कि नूर वाला आया है। वही नूर जो रसूल के वजूद से फूट रहा था, वही नूर। ये अली है कौन? ये कौन सा अली है? ऐसे कोई आम सा अली सो रहा था? ये वो अली सो रहा था कि जिसकी इबादतों पर उस अली को फख्र है। वो अली सो रहा था कि जिसके पोते अली ने बताया कि मेरा दादा अली हर शब हजार रकत नमाज पढ़ता है। वो अली सो रहा कि जो कभी सोया ही नहीं, और वाजिबात खत्म हो गई। बात वाजिबात मस्जिद में अदा करके मुस्तहबात घर में अदा करते हैं, ये शरीयत कहती है कि वाजिबात नमाज जो है वो मस्जिद में पढ़ो और मुस्तहबात जो है घर में, ताकि घर भी मस्जिद बन जाए, घर भी पाको पाकीज़ा हो जाए, बच्चों की ट्रेनिंग भी हो जाए, और घर में और आदो बजाए की आवाजें पूछे। जितनी देर नमाज पढ़ोगे उतनी देर टीवी तो बंद रहेगा। अब समझो 68 दिन हुसैन का गम मनाते हैं, 68 दिन टीवी नहीं देखा जाता, कम से कम इतने दिन तो हम तुम्हारे लहव लाभ से दूर रहते, तुम्हारे तमाशा से दूर रहते। और वैसे तो साल भर हमारा कोई ना कोई मजलिस महफिल जारी रहती है। अब तो हर तरीके से मुत्तसिल रहते हैं आले मोहम्मद से, हर तरीके से। और अगर कहीं भूल भी जाए तो वहां से थोड़ा झिझोड़ा जाता है, थोड़ा सा उधर से किसी को पीछे लगा दिया, कहीं वहां से कह दिया, कैदान से निकाल दो, कहीं कुछ झिझोड़ा जाता है। हमसे करीब रहना, भूलना जाना हमें हमसे करीब रहना, हमें याद रखना। अगर तुम्हें मुकम्मल छूट नहीं दी तो तुम हमें भूलना जाना। थोड़ी मुश्किलात इसलिए भी आती है, इनको रहमत समझा जाए, इसलिए कि जब तक मुश्किल आएगी नहीं तब तक कलम पकड़ के मुश्किल कुशाई आ जाकर बाबुल हवा इसको बांधो, है ना, तो मुंतसिब रहता। तो मेरे अजीजों, अब ये अली कौन है? अब 5 या 10 मिनट की फिर बात, माफी चाहता हूँ, पहले भी 5-10 मिनट ही कहा था, लेकिन ये बस बात आगे बढ़ सकते भाई। ये वो अली है कि जो हजार रकत नमाज पढ़ता अल्लाह की, मुस्तहबात घर में अदा करते थे और हजार रकत नमाज पढ़ते थे, और कभी अली सोए ही नहीं। वाजिबी जो नींद इंसान की होती है, देखिए मासूम का कौल है कि अल्लाह की मारिफत शब्बेदारी ही से हासिल होती है, बशर्ते कि शब्बेदारी अल्लाह की मारिफत के लिए की जाए। रात रात भर लोग जागते हैं, एक आपका जागना है, अरे वो जो गली मोहल्लों में पूछो में इधर उधर बैठे होंगे वो जाग रहे हैं। अगर किसी को रात को जागने का शौक है, क्योंकि हमारी कौम में तो बहुत हो गया कि बहुत से नौजवान अब रात भर जागते हैं दिन भर सोते हैं, तो अगर रात भर जाग रहे हो आले मोहम्मद के लिए तो ये जागना बिल्कुल सही जागना, ठीक है। तो कहा कि भाई मारिफत खुदा शब्बेदारी से हासिल होगी, खत्म हो गई बात। अली रात भर हजार रकत नमाज पढ़ते, हर रकत में 2 सजदे, अब 2000 सजदे तो हो गए अली, 2000 सजदे तो हो गए ना भाई, तो हर रात 2000 सजदे भेजने वाला अली आज सो रहा। आज अली कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा। या अल्लाह, किससे तूने कहा सो जा जो तेरी 1000 रकत नमाज पढ़ता, और ऐसी पढ़ता है जैसे कोई पढ़ता ही नहीं, तो ऐसे पढ़ता है कि पांव से तीर निकल जाए उसे खबर ही नहीं होती। ऐसी नमाज पढ़ने वाला तेरा बंदा तू कह रहा सो जा, तो आज इसकी ये 1000 रकत तो तेरे पास पहुंचेगी ही नहीं, इसलिए सो रहा है। तो अल्लाह कहेगा कि तुम बड़े अकलमंद आ गए, तुम्हें पता है और हमें नहीं पता, हमारे पास तो उसके सजदे आते हैं। उस 1000 रकत पढ़ने वाले अली ही से तो हम कह रहे हैं कि सो जाओ, और अल्लाह कह रहा है तुम समझे ही नहीं, तुम सुबह को कहते हो नमाज सोने से बेहतर है। हम अली से कहते हैं तेरा सोना नमाज से बेहतर है। अली सो रहा बिस्तर रसूल पर सो रहा, और ऐसे सोया कि जैसे अली कभी सोए ही नहीं। बेदार बख्ती है, शबे हिजरत गवाह है, बस एक रात सोए हैं हैदर तमाम रात, बस एक रात, बस यही वो रात थी। क्यों सोए? इसलिए कि रसूल ने कहा था कि सो जाओ, ये होती है इताअत। वहां ये था कि कोई बाहर ना निकलना,
इधर था कि सो जाओ। अली ने कहा हुक्म है सो गए और सोए सोए, लेकिन अली सोए नहीं। दुनिया समझ रही सो रहे, इसलिए कि अली सो नहीं रहे थे। अली इताअत रसूल में थे और इताअत रसूल इबादत है। जुमले की मदद करने वाला, इताअत रसूल इबादत है। तो अली दुनिया की निगाह में सो रहे थे लेकिन इताअत रसूल में थे तो इबादत कर रहे थे, है कि नहीं? जुमला दे दूं। जैसे ही कहा या रसूल अल्लाह, अली पांव से तीर नहीं निकालने दे रहे, पांव से तीर नहीं निकालने दे रहे। पैगंबर ने कहा परेशानी क्या, अली को सजदे में जाने दो, तीर निकाल लेना। तीर निकाला, खबर ही नहीं। रसूल से पूछा गया, रसूल क्या मामला हुआ? कहा अली जब इबादत में होता है यहां नहीं होता, जिसकी इबादत कर रहा था उसी के दरबार में होता है। उस समय हिजरत भी अली यहां थोड़ी थी, उसी के पास थे, तभी तो कुछ बेचा जा रहा था, कुछ खरीदा जा रहा था। कुछ बेचा जा रहा था, कुछ खरीदा जा रहा था। कुछ बेचा जा रहा था, कुछ खरीदा जा रहा था। यही मैंने कहा कि जिस किस्म का सौदा खरीदना होता है उसी बाजार में जाते हो। तो अली उस वक्त बाजार उलूहियत में थे, मर्जियों के बाजार। अली इबादत के वक्त उसके दरबार में, तभी तो पूछा गया भेजते हो। परवरदिगार मेरे पास सबसे कीमती चीज मैं खुद हूं, मेरे पास सबसे कीमती चीज मैं खुद हूं, मैं पेश करता हूं अपने आप को तेरे बाजार में। तो अब अल्लाह बताएगा कि नफ्स अली की कीमत क्या है। बहुत बड़ा जुमला कहा। अब अल्लाह बताएगा कि नफ्स अली की कीमत क्या है। अल्लाह बताएगा काली क्या चाहिए। अब अली तो अली है, कह दिया परवरदिगार जो तेरी मर्जी। लो हमारी मर्जी, लाओ अपना नफ्स, लाओ अपना नफ्स। अब नफ्स अली है अल्लाह के पास, मर्जी है खुदा है अली के पास, मर्जी खुदा अली के पास। आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए तो बड़ा दुख होता, ठीक है? अब मसला यह है कि किसी मकान का सौदा कर दिया, किसी को बेच दिया, कागजात पे दस्तखत हो गए, आपने पैसे भी दे दिए और जनाब उसके पास कागजात चले गए, वो मालिक हो गए। अब एक दुश्मन आया, उसने कहा कि ये आपका घर है, मैं इसको आग लगा दूंगा। उसने आग लगा दी, आप खड़े रहे आराम से, ना आग बुझा रहे ना कुछ। वो दुश्मन परेशान हो रहा है, घर इसका जला रहा हूं और इसको कुछ हो ही नहीं। बाद में पता चला ये घर तो वो बेच चुका था। अब जिसका घर जल रहा है ना, नुकसान उसको हो रहा है। खत्म हो गई बात। नफ्से अली है अल्लाह के पास। अब जो अली को नुकसान पहुंचा रहा है वो असल में अल्लाह को नुकसान पहुंचा रहा है। जो कह रहा है नाम अली ना रहे, जा रहा है कि नाम है अल्लाह ना। तो ये तो नफ्स चला है ना मर्जियां, तो यही नफ्स हुसैन के पास, तो उसे पता ही नहीं कि ये नफ्स हुसैन अल्लाह के पास। तो इसी ने कह दिया था ना कि गुलूए हुसैन पर खंजर नहीं चल रहा था, वो ला इलाह के गले पर छुरी चल रही थी। और हुसैन निकले ही इसीलिए थे कि कलमा बच जाए, अल्लाह का कलमा बच जाए। मुसलमानों से सिर्फ यही कहना है कि 1400 बरस से उस हुसैन पर रो रहे हैं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह बचाया,
जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जान दिया उस पर हो रहा है। आपको भी आ जाना चाहिए किसी मंजिल पर कि आप भी शामिल हो जाएं कि हाँ हुसैन ने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जान दे दी। अपनी तरफ से जुमला नहीं कह रहा, रावी कहता है कि मैंने देखा कि जिस वक्त शिम्र हुसैन के सीने पर सवार हुआ है और उसने हुसैन की गर्दन पर छुरी चलाना चाही है तो सामने से उसने छुरी रखी, गला कट नहीं रहा था, बार बार छुरी फेरता था, गला कटता नहीं था। एक बार शिम्र ने हुसैन ही से पूछा कि ये गला कटता क्यों नहीं है। हुसैन ने एक बार लड़सते हुए कहा, और जालिम ये गला कैसे कट जाए, यहाँ मेरे नाना रसूल अल्लाह बोसे दिया करते थे, यहाँ रसूल अल्लाह बोसे देते थे, अजरक मदल्ला बस दो जुमले मसाए थे, यहाँ नाना रसूल अल्लाह बोसे लेते थे। कहा यह गला कभी नहीं कटेगा। एक बार उसने हुसैन के रुख को मोड़ा और बालों से पकड़ के हुसैन के रुख को मोड़ा। अब कहता है रावी कि जब हुसैन के गले की पहली रग कटी है और उससे लहू उछल के बरामद हुआ है, वो कहता मेरा कलेजा फट गया कि जहाँ लहू की धार गिर रही थी वो लहू जमीन पर लिख रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन ने अपने लहू की धार से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। मेरे अजीजों, सिर्फ हुसैन ही तो शामिल नहीं है ना दिफा ला इलाहा में, हुसैन की बहन ज़ैनब भी है। ज़ैनब ने भी उतना ही सब्र किया है जितना हुसैन ने सब्र किया है। खत्म हो रही है गुफ्तगू, आखिरी जुमले तकरीर के, यकीनन आप रात भर मातम करेंगे, मैं तो सिर्फ तभी भी जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। यहीं से मसाइल मेरे जितने भी पढ़ने वाले हैं नौ खान उसको आगे बढ़ा देंगे। ज़ैनब ने क्या क्या देखा है। हुसैन का सब्र सबसे बड़ी मंजिल पर था, हुसैन से बड़ा साबिर किसी ने देखा नहीं है जिसने 72 लाशें उठा के सब्र किया हो, नहीं जिसने अली असगर का लाशा उठा के सब्र किया हो। कि उस वक्त भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया जब कब्र अली असगर बना रहे थे, उस वक्त भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। इतना बड़ा साबिर है हुसैन। लेकिन मुझे जुमला कहने देना कि हुसैन का सब्र वहां रुक गया जहां हुसैन की गर्दन कट के नोके सिना पर आ गई, लेकिन ज़ैनब का सब्र तो अभी भी जारी था ना, ज़ैनब का सब्र तो अभी भी नहीं रुका। जितने 72 लाशें हुसैन ने देखे हैं उतने ही 72 लाशें ज़ैनब ने भी देखे हैं। खत्म हो रही है गुफ्तगू मेरे अजीजों, आखिरी जुमला तकरीर का। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन जब रिहा होके मदीने वापस आया है और जब मजलिसें शुरू हुई हैं तो किसी ने मेरे मौला से पूछा कि मैंने एक रावी से सुना है, आखिरी जुमले हैं, चाहे तो रो लेना चाहे तो ऐसे बैठे रहना, क्या ही अच्छा है कि हाय हुसैन कहते रहे, हाय कहिए, हाय कहिए, मसाइल ऐसे भी सुने जाते, आवाज़ बुलंद कीजिए, हाय हुसैन, आहिस्ता आहिस्ता, कोई इतनी जहमत नहीं है, सीने पे हाथ रख लीजिए, इसलिए कि बड़ी कर्ब अंगेज रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें आपको चादर जहरा का वास्ता है, जब आखिरी जुमला कहूँ तो सब पर हाय कहना वाजिब हो जाएगा, इसलिए कि अजीब कर्ब अंगेज रिवायत है। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन खुद मसाइल पढ़ रहा है, किसी ने खड़े होकर पूछ लिया, मौला मैंने करबला का सितम देखने वाले रिपोर्ट करने वाले रावियों से सुना है, मैंने सुना है कि किसी बीवी की जब चादर छीनी जा रही थी तो सारी बीवियों के सरों पर सफेद चादर थी, एक बीवी के सर पर लाल चादर थी। मौला उस दिन लाल चादर क्यों थी, उस दिन तो सबके सरों पर सफेद चादर थी। खत्म हो गई गुफ्तगू, मौला ने सीने पे हाथ मारा, सर से हमामा फेंका, मुंह पर तमाचे मार कर कहा, अरे वो मेरी फुफू ज़ैनब थी, ज़ैनब थी ना मौला, उनकी चादर लाल क्यों थी, रोते हुए कहा, अरे चादर तो सफेद ही थी, लेकिन जब मेरे भाई अली अकबर का लाशा खैमे में आया है, मेरी फुफू ज़ैनब लाश अली अकबर से निपट गई, पूरी सफेद चादर अली अकबर के लहू से लाल हो गई। ज़ैनब आखिर दम तक हाय अली अकबर, मातम हुसैन।